ولقد يسرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون محترم بزرگو नौजवान भाइयों मासूम बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माइयाँ और बहनें पैगाम कुरान के तहत 11वें पारे में हम और आप दाखिल हो चुके हैं। इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि हर दिन जितना पारा पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है उसके तमाम नुकात पर मुश्तमिल पैगाम आप तक पहुंचाना मुख्तसर से वक्त में मुश्किल और नामुमकिन है, क्योंकि कुरान मजीद की एक एक आयत करीमा अपने अंदर मानी और मफाहिम अहकामात मसाइल फवाइल फवाइद ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिस आयत करीमा पर जितना गौर करते जाएंगे उतनी ही बातें हमें मालूम होती जाएंगे, लेकिन उन तमाम बातों को आपके सामने पेश करना मुश्किल है। इसीलिए रोज़ाना बहुत सारी अहम अहम चीज़ें नोट कर कर लाई जा रही हैं, मगर वक्त का तकाजा कि सारी की सारी गुफ्तगू आपके सामने हो नहीं पा रही है। कल 10वें पारे के अंदर भी बहुत सारी बातें छोड़ गईं, लेकिन सूरह तौबा से हम आज के दर्स का आगाज करते हैं, क्योंकि सूरह तौबा 10वें पारे के आखिरी हिस्से से शुरू होता है। उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करते हुए फिर 11वें पारे के कुछ अहम नुकात आपके सामने रखे जाएंगे। सूरह तौबा ये मदनी सूरत है और तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 113 है। इसी तरतीब नुज़ूल के नंबर से हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई है। आखिरी दौर में ये सूरत नाजिल हुई है और इस सूरत के अंदर बहुत सारे अहकामात भी हैं और बहुत सारे मसाइल भी हैं, और फिर उसके साथ साथ दुश्मनों की वजाहतें भी हैं कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किससे बचना चाहिए, वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं। सूरह तौबा में कुल 129 आयात हैं। कुरान की ये जो तरतीब मुसहफ की है इस एतबार से इस सूरह का नंबर सूरह नंबर 9 है और 16 रुकू पर मुश्तमिल ये सूरा है। और इस सूरे का जो नाम सूरे तौबा है ये लफ्ज आयत 118 के अंदर इस्तेमाल हुआ है और कुरान करीम की ये वाहिद सूरत है जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है। जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है इसकी बहुत सारी हिकमतें और बहुत सारे असबाब मुफस्सरीन ने जिक्र किए हैं, लेकिन उन तमाम के सामने सबसे अहम बात तो यही है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि इस सूरत के शुरू में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे जो नुकात बहुत सारे वजूहात बताए गए हैं उसमें से एक वजह यह कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा दोनों का एक ही सिलेबस चल रहा है, एक ही टॉपिक चल रहा है।
سورہ انفال کے اندر بھی جہاد کے، جنگ کے، مال غنیمت کے، منافقین کی حالات، یہ تمام چیزوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب سورہ توبہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی ہے۔ تو گویا دونوں سورتوں کی ٹاپک یہی ہے، اور بعض یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو احکامات خاص طور پر مشرکین سے براءت کا جس انداز میں اظہار کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جو ہے بغیر بسم اللہ کے اس سورت کو نازل فرمایا۔ بہر کیف اس سورت کے اندر جو ہے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انفال اور توبہ دونوں کے مضامین ایک ہی ہیں، معاہدہ، صلح اور جنگ و جدال اور جنگ کے اصول اور جنگ کے ضوابط، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 1 سے آیت 4 سے 7 تک بیان فرمایا کہ جنگ کے میدان میں بھی، سبحان اللہ کس قدر پیارا مذہب ہے ہمارا کہ دشمن میدان جنگ میں بھی اگر اچانک ہم سے معاہدہ کر لیتا ہے جنگ بندی کا یا صلح کا، تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ فوری طور پر ہم اس کے ساتھ معاہدہ کریں۔ میدان جنگ میں بھی اگر کوئی اچانک دشمن ہم سے پناہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس جنگ سے ہٹنا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم فوری طور پر اس کو امان دیں، اس کو پناہ دیں، اور پھر اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اسلام کی دعوت دیں، اور اس کو ہماری اپنی جگہ سے لے کر اس کا جو مقام ہے جہاں اس کے لیے امن اور سلامتی ہے وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر۔ آج کے اس ماحول میں دیکھ لیجئے کہ اسلام کا اس قدر یہ پیارا نظام اور آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا جو قدم قدم پر انسانیت کا نام لے کر واویلہ مچاتی ہیں اور ہزاروں سوسائٹیاں اور ہزاروں کمیٹیاں بناتی ہیں حقوق انسانیت کے نام پر، فلاں کے نام پر، لیکن ان ظالموں کے پاس جنگ و جدال کے کوئی اصول نہیں ہے۔ کوئی دواخانے پر بم گرا رہا ہے، کوئی اسکول کو ملیامیٹ کر دے رہا ہے، کوئی معصوم لوگوں کے گھروں کو دن دھاڑے اور رات کے اندھیرے میں جلا دے رہا ہے، کوئی بزرگوں کو گولی مار رہا ہے، کوئی خواتین کو گولی مار رہا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام جیسا امن پسند مذہب نہ دنیا میں ہے نہ دنیا میں آ سکتا ہے۔ اس نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے اصحاب کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو درخت نہیں کاٹنا، دیکھو عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ان پر حملہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، آج ایسا کون سا ملک ہے، کون سا ایسا مذہب ہے، کون سی ایسی باطل تحریک ہے جو اس بات کا خیال رکھتی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں عام لوگ رہتے ہیں وہاں پر اپنی طاقت کا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے ہلاک اور برباد کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سالوں کی محنتوں کو یہ لوگ راکھ میں تبدیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ یوکرین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلم ممالک کے اوپر حملہ کیے ہوئے حالات ہم سب کے سامنے موجود ہیں، اور خود ہمارے ملک کے حالات بھی ان دنوں ایسے ہی کچھ بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر مومنوں کے صفات کا تذکرہ کیا گیا اور مشرکین کو اس بات سے انہیں روکا گیا، اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر تم مسجد بناتے ہو تو تمہاری یہ مسجد بنانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ مسجد کا بنانا، اس کو آباد کرنا، اس کے سارے تر انتظامات کرنا، یہ مومنوں کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 17 سے 18 تک اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا اہل کفار کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ کافر مشرک جتنے بھی کار خیر انجام دے بغیر ایمان کے، تو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
फिर उसके बाद एक और चीज का तस्करा फरमाया कि काफिर ये समझते थे कि हम जो है हज को आने वाले लोगों को गोया पानी पिला रहे हैं, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं और हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, तो गोया बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ने उसका विरत करते हुए कहा कि इसका भी कोई फायदा नहीं है तुम्हारे लिए, जब तक तुम ईमान नहीं लाते इन तमाम कामों का तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं। उसके बाद मुकाम मुहाजिरीन, अल्लाह सुबहाना व तआला के नजदीक हिजरत करने वालों का क्या मुकाम है उसके बारे में अल्लाह सुबहाना व तआला ने आयत 20 से 22 में फरमाया, आदम दर्जा, सबसे पहला फायदा यह है अल्लाह ताला के पास उनका मकाम बहुत बुलंद है, फाइज वो कामयाब होने वाले हैं, बशारत उनके लिए खुशखबरियां हैं, अल्लाह की रहमत उनके साथ शामिल हाल है, रिजवान अल्लाह ताला की रजामंदी उनके लिए है और जन्नत में दाखिला उनके लिए ऐसी जन्नत जो अबदी नियमतों वाली जन्नत है। और आखिर में फरमाया गया अजरुन अजीम, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत किए हैं उनके लिए अजर अजीम भी मौजूद है। फिर उसके बाद आयत 24 के अंदर जो बात बताई गई है वो बात बहुत ही हमारी अपनी जिंदगियों के लिए बहुत अहम है और इसके बगैर कामयाबी नहीं, इसके बगैर कामयाबी का तस्वीर ही छोड़ दीजिए। आप अलैहिस्सलाम का मुकाम और इताअत रसूल का मुकाम इस आयत करीमा के अंदर बताया गया है। आयत 24 के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे रिश्ता होना चाहिए, किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना चाहिए, उन तमाम चीजों पर मुश्तमिल अल्लाह सुबहानहु व तआला आयत 24 के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। أي نبي صلى الله عليه وسلم آپ فرما دیجئے, क्या फरमाना है, इनका ना आबा हुकुम, तुम्हारे आबा तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे वालिद हो, वा अबना हुकुम, तुम्हारे औलाद हो, तुम्हारे बेटे हो, वह इखवान हुकुम, तुम्हारे भाइयां हो, वह अजवाज हुकुम, तुम्हारी बीवियां हो, वह अशीरत हुकुम, तुम्हारे और रिश्तेदार हो, वह अम्बाल तरफ तुमो हा, और वह तुम्हारा तुम्हारी दौलत तो तुम्हारा माल जिसको तुमने जमा करके रखा है या फायदा उठाया है, वह तिजारत तख्शोन कसादहा, वो तुम्हारा बिजनेस, वो तुम्हारा कारोबार, वो तुम्हारी तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है कि एक आशारिया भी अगर मार्केट का शेयर मार्केट का एक आशारिया भी गिर जाता है तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा माशी मार्केट हिलकर रह जाता है कि आज का सेंसस ऐसा हो गया। तो गोया आदमी को जो है अपनी तिजारत अपने कारोबार से इस कदर मोहब्बत होती है कि वह हमेशा इस बात से चौकन्ना रहता है कि मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया वो तिजारत तख्शोन का सादा, ये सब की सब चीजें क्या है, हमारी अपनी फितरत से ताल्लुक रखने वाली है। इंसान सब कुछ बर्दाश्त करता है, बाप की मोहब्बत इसे अपने अंदर बहुत ज्यादा ले डूबती है, औलाद की मोहब्बत और औलाद के लिए जीता है और बीवी के लिए सब कुछ करता है, अपने भाइयों के लिए सब कुछ करता है, अपने अजीज व अकारिब के लिए सब कुछ करता है। और मसल मशहूर है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, माल को जो है बचाने की, माल को माल की हिफाजत के लिए, माल की कमाने के लिए आदमी हर तरह की कुर्बानियां पेश कर देता है। तो अल्लाह ने जितनी हमारी फितरी ख्वाहिशात हैं उन तमाम चीजों को एक दो तीन इस तरह गिनाया, गिनाने के बाद फरमाया अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाइयां तुम्हारी बीवियां तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी दौलत तुम्हारी तिजारत, ओ मसाकीन तर्ज़ूनहा, और वो तुम्हारे घर जिसके अंदर तुम रहना पसंद करते हो। आदमी 20 साल 25 साल 30 साल मेहनत कर आलीशान बंगला ऐसा बना लेता है गोया अब इसमें हमेशा रहना है। अल्लाह ने फरमाया कि ये सब के सब चीजें तुम्हें इस कदर महबूब है कि अल्लाह और उसके रसूल से भी बढ़कर हैं। अगर अल्लाह उसके रसूल से बढ़कर ये तमाम चीजें हैं तो गोया हकीकत में हम मोमिन नहीं, हकीकत में हम मोमिन नहीं। अगर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के सामने हमारे आबा व अजदाद
हमारी औलाद, हमारे भाई बहन, हमारी बीवियां, हमारे रिश्तेदारियां, हमारे रिश्तेदार, हमारी जायदाद, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा कारोबार, हमारे मकान, हमारे महल्लात, अगर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सामने हेच है, कुछ नहीं है, तब हमारे लिए कामयाबी है। वरना अल्लाह ने फरमाया फतरबसु हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, कि अगर ऐसा मामला है अल्लाह से बढ़कर नहीं है तुम्हारे पास, अल्लाह से बढ़कर ये सब चीजें हैं, तो तुम इंतजार करते रहो, घात में बैठे रहो यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करना चाहिए। उसके बाद जंग हुनैन का तस्करा किया गया, जंग हुनैन ये 8 हिजरी के अंदर पेश आती है शव्वाल में, फतेह मक्का के बाद यह वाकया पेश आता है। मक्का और ताइफ के दरमियान दो कबीले, हुनैन की जंग होती है और यहां दो कबीले रहते हैं, सखीफ और हवाजिन जो है, ये बहादुर कौम थी, बड़ी तीर अंदाज कौम थी, और ये मुसलमानों की वो पहली जंग है जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा, कितनी, 313 के मुकाबले में अब यहां मुसलमानों की तादाद फतेह मक्का के बाद 12,000 हो गई है, 12,000 की फौज हुई है। इब्तदा में मुसलमानों को थोड़ा सा जो है अपनी तादाद पर यह था उजुब, यानी कुशफहमी के अंदर मुब्तला हो गए थे और हालात बदल गए, लेकिन बाद में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने उनकी मदद फरमाया, तो फिर जो है वो कामयाब, वो जो है कामयाबी से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सरफराज किया। और मुश्रिकीन मक्का को मस्जिद हराम में दाखिल होने से मना कर दिया गया, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, के जरिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने 9 हिजरे को इस बात का हुक्म दे दिया कि अब कोई मुश्रिक जो है वो काबतुल्लाह के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है अहले किताब का अल्लाह सुबहानहू व तआला पर बार बार जो झूठे झूठे इल्जाम लगाना है, उनमें सबसे बड़ा इल्जाम ये था अहले किताब का, वकालत यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, यहूदी कहते कि उज़ैर जो है अल्लाह के बेटे हैं, नसारा ईसाई कहते कि ईसाई अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने कहा कि ये कितना बड़ा जुल्म और कितना बड़ा झूठ है, इससे बाज आने का अल्लाह सुबहानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया। फिर उसके बाद नसारा यानी ईसाइयों के क़राबी का तस्किरा किया गया, वो तस्किरा क्या है, इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, कि ये जो है अपने उलमा को और अपने आबिदीन को जो है अपना खुदा बनाकर बैठे थे, अपने आलिम और अपने माँ अपने आबिदों को जो है ये खुदा बनाकर बैठे थे। अहबार जो है आलिम को कहा जाता था, रुहबान जो है इबादत गुजार, और ऐसा इबादत गुजार जो सारी दुनिया की जिंदगी को छोड़कर जंगलों में जाकर जो है जिंदगी गुजारने वाले को रुहबान कहा जाता है, जबकि इस्लाम ने इससे मना फरमाया। इस तरह का कोई मामला इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन यही देखा देखी मुसलमानों के अंदर भी सूफीज्म आ गया, और ये सूफियत ने इसी तरह की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, और सूफियों ने भी इस्लाम के अंदर गुलू करके रख दिया। फिर उसके बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला कुफार व मुश्रिकीन की काहिशे बद को अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जिक्र किया, कि कुफार और मुश्रिकीन क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला के दीन को अपनी फूकों से खत्म कर दें, अपनी फूकों से अल्लाह ताला के दीन को खत्म कर दें, ये इनकी नाजायज ख्वाहिश है, और ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी जो कारस्तानियां हैं, नबी को सताना, सहाबा को सताना, इस्लाम के खिलाफ वाविले मचाना, इन सब का काम, इन सब का मकसद यह है कि वह अपनी फूकों से जो है इस्लाम को गुल करना चाहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और आज भी जो है हमारे इस मुल्क में यही फजा कायम की जा रही है कि किसी तरह इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन अल्लाह ने आज के इन मुशरिकों के बारे में भी आज से 1450 साल पहले तकरीबन इस बात का ऐलान कर दिया कि वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून, वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह सुबहानहू व तआला इस दीन को जो है मुकम्मल कर रहेगा, ये दीन का नूर मुकम्मल होकर रहेगा अगरचे के काफिर पसंद ना करे। और दूसरी जगह अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, इस दीन को तमाम अदियान पर गलबा हासिल होगा और ये दीन जो है गालिब होकर रहेगा अगर मुशरिक इसको पसंद करे या ना करे। फिर उसके बाद खात की एक लिस्ट बताई गई कि जकात के जो हकदार हैं उसकी तफसीलात आयत 34 और आयत 35 में है, कि माल हम जो सदकात और खैरात करते हैं उसके हकदार कौन है, उससे पहले माल और दौलत का
हक अदा ना करने पर क्या अजाबात है, उसकी तफसीलात मौजूद है आयत 34 और आयत 35 में। अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया वल्लदीना यकनिजून अज़्ज़हब वल्फिज़्ज़ता वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग जो है सोने और चांदी को, माल को, दौलत को जमा कर 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 रखते हैं, वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब सुना दीजिए। आगे की सूरह आयत 35 के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया यौम युहमा अलैहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लि अन्फुसिकुम। कल क़ियामत के दिन उनके माल को तपा कर जो है उनके पहलुओं को, उनके आजू बाजू, उनके पीठ को गोया तपाया जाएगा और उसके जरिए कहा जाएगा हाज़ा मा कनस्तुम लि अन्फुसिकुम, ये तुम्हारा वो माल है, ये तुम्हारी वो दौलत है जिसको तुम खजाना बनाकर जमा करके बैठे थे। फज़ूक़ु मा कुंतुम तकनिदून, अब मजा चखो इसका जो कुछ के तुमने जमा करके रखा था। इसकी तफसीलात के बाद अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन्नमल फुकरा इन्नमस सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, ज़कात के कौन कौन हकदार हैं उसकी लिस्ट जिक्र फरमाया आयत 60 में, उसकी तफसीलात मौजूद हैं। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ और फिर उसके साथ साथ जो है मुनाफिकीन की खसलतों का जिक्र है, मोमिनीन का आपस में रब्त ज़ब्त क्या मकसद है, मोमिन आम मर्द और मोमिन औरत इनके आपस में क्या ताल्लुकात और किन बुनियादों पर होना चाहिए। फरमाया वल मोमिनून वल मोमिनात بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें दोनों जो है दावत इल्लाह का फरीजा अंजाम देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाइयों का हुक्म देते हैं। मुनाफिकीन के बदमाशों का जिक्र है और हुक्म जिहाद के बाद मुनाफिकीन ने जंग के मौके पर जो हमेशा आ आकर बहाने तलाश करते थे, उज्र पेश करते थे, उसका जिक्र करते हुए सूरह 11वें पारे के अंदर भी वह इब्तिदा में वही है या तजीरून यानी ऐ नबी आपके पास ये लोग आकर जो है माजरत पेश करते हैं कि हम जो है फला फला काम में हैं। कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ जाते तो तब ये लोग आकर जो है माजरत पेश करते थे। 11वें पारे के अंदर 16 रुकू हैं, 150 आयतें हैं और ये पारा भी दो सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरह तौबा का एक हिस्सा बाकी है, उसके बाद सूरह यूनुस शुरू होता है उसका भी कुछ हिस्सा बाकी है। बस एक दो बातें बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। इस पारे में दो हिस्से सूरह तौबा का बकिया और सूरह यूनुस का मुकम्मल हिस्सा है और सूरह तौबा के जितना हिस्सा बाकी है उसमें मुनाफिकीन की मजम्मत है, मोमिनों के 9 सिफात का जिक्र किया गया है और गज़वे तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलिस सहाबा, गज़वे तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलिस सहाबा का जिक्र इसके अंदर मौजूद है। मुनाफिकीन की मजम्मत की बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई है। मोमिनीन की जो 9 सिफात हैं उसका मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं। पहली सिफत यह है कि वह तौबा करने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, नेक कामों में आगे बढ़ने वाले हैं और नेक काम करने का हुक्म देने वाले हैं, बुरी बातों से मना करने वाले हैं, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं, हुदूदुल्लाह के मुहाफिज हैं। तौबा करने वाले अत्ताइबून वलआबिदून वसाजिदून वसाइहून वर्राकिऊन, यानी तौबा करने वाले, सजदा करने वाले, रुकू करने वाले, इबादत करने वाले और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले और बुराइयों से रोकने वाले और अल्लाह ताला के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। उसके बाद गज़वे तबूक में जो असहाबे रसूल बड़े मुखलिस होने के बावजूद किसी वजह से शरीक नहीं हो सके, उन तीनों का वाकया जिक्र किया गया है। उन तीनों में कौन कौन है? सबसे पहले हजरत मुरारा बिन रबिया रजी अल्लाह तआला, हजरत बिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह तआला और हजरत काब रजी अल्लाह तआला जो है, ये तीनों सहाबा गज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके। अल्लाह सुबहानहु व तआला से इन्होंने तौबा किया, 50 दिन तक इनका बैकआउट किया गया था और तौबा इनकी कबूल हुई और इनकी तौबा ऐसी कबूल हुई कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सूरह तौबा में रहती दुनिया तक इनके ताल्लुक से जिक्र फरमा दिया। दूसरा हिस्सा सूरह यूनुस है, सूरह यूनुस में 4 रही है। सबसे पहले तौहीद के अंदर अल्लाह ही राजिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही कासिम, अल्लाह ही खालिक है और हर किस्म की तदबीर करने वाली जात अल्लाह सुबहानहु व तआला ही की जात है। फिर उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से के 2 हिस्से हैं, एक मछली के पेट में जाने से पहले और दूसरा मछली के पेट से बाहर आने के बाद का, वो वाकया बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया है। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको
लोग कुरान मजीद पढ़ने समझने अमल करने और गौर करने फिक्र करने और उसकी दावत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पर तदब्बुर करने और कुरान पर फिक्र करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें अहलुल कुरान में शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को कुरान से मुनव्वर फरमा दीजिए, हमारे दिलों को कुरान से बहार अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में और हमारी जिंदगियों में जो हुज़्न व मलाल है, जो गम है, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, इन तमाम का इलाज ऐ अल्लाह कुरान के जरिए कर दीजिए। ऐ अल्लाह कल क़ियामत के दिन कुरान को हमारे हक में शफी बनाकर भेज दीजिए। ऐ अल्लाह उसका पढ़ने वाला, उसका पहुंचाने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह आपके नबी के फरमान के मुताबिक बेहतरीन इंसानों में हमारा शुमार फरमाइए। ऐ अल्लाह मुनाफिकीन की जो मजम्मतें और मुनाफिकीन की जो सिफतें बयान की गई, ऐ अल्लाह उससे बचने, काफिर और मुशरिकों की आदतों से बचने, मोमिनों के जो नौ सिफात बताए गए हैं और मुख्तलिफ सिफात बताए गए हैं, अल्लाह हमें सही माने में मोमिन बनने और उन सिफात को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात पर रहम फरमाइए। अल्लाह आए दिन हर दिन कहीं ना कहीं फितना और फसाद हो रहा है। अल्लाह मध्य प्रदेश के अंदर, अल्लाह मुख्तलिफ यूपी के मुख्तलिफ अजला के अंदर, अल्लाह हमारे मुसलमानों के भाइयों और बहनों के घरों को तबाह और ताराज किया जा रहा है, उनके दुकानें जलाए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है। अल्लाह हमारी खवातीन पर, हमारे नौजवानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे बूढ़ों पर अल्लाह अब जुल्म हद से ज्यादा हो रहा है। अल्लाह हम बड़े कमजोर, अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, अल्लाह हम बड़े नातवा हैं। अल्लाह हमारी कमजोरियों को और आजमाइश में ना डालिए। अल्लाह हमें हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह आपकी ताकत अल्लाह इन मुशरिकों को मालूम नहीं, आपकी कुदरत अल्लाह इन काफिरों को मालूम नहीं। अल्लाह आप एक झटके में कुन फयकून के जरिए अल्लाह इन्हें तबाह और ताराज कर सकते हैं। अल्लाह कल आपकी कुदरत का मंजर रोड़ों पर देखने को आया। अल्लाह जो दुश्मन मस्जिद के सामने खड़े होकर, अल्लाह जो शिरकिया अल्फाज कहकर अजान को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, मुसलमानों की नमाजों में खलल डालना चाहता था, अल्लाह आपने एक हल्का सा झटका देकर उसे बता दिया है। अल्लाह तमाम काफिरों के दिलों में, तमाम मुशरिकों के दिलों में अल्लाह आप रोब डाल दीजिए। अल्लाह आप हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह आपके दुश्मनों की मदद फरमाइए। अल्लाह आपके नबी के दुश्मनों की मदद फरमाइए। अल्लाह उनके दरमियान इफ्तराक डाल दीजिए। अल्लाह उनके दरमियान जलजले पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह उन्हें हलाक और बर्बाद कर दीजिए। अल्लाह उनकी बातों में उन्हें हलाक कर दीजिए। अल्लाह उनके मंसूबों में उन्हें ही नाकाम और नामुराद बना दीजिए। अल्लाह हमारी खवातीन की, हमारे नौजवानों की, हमारे मस्जिद की, हमारे मदारिस की, हमारी जायदाद की, हमारे घरों के, हमारे कारोबार के, अल्लाह सारी की सारी चीजों की आप ही हिफाजत फरमाइए। अल्लाह आपके अलावा कोई हमारा मुहाफिज नहीं। अल्लाह आपके अलावा कोई हमारा नासिर नहीं। अल्लाह आपके अलावा कोई हमारा हामी नहीं। अल्लाह आपके मदद के हम तलबगार हैं। अल्लाह हम भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हम जानते हैं कि आपकी मदद ऐसे नहीं आएगी। अल्लाह हमसे गफलतें हो चुकी है। अल्लाह फिर भी हम आप ही के बंदे हैं, आप ही से, आप ही के पास मदद मांग रहे हैं। अल्लाह आप ही हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह जो भाई भी और जो बहने भी सिर्फ इस्लाम और मुसलमान होने के जुर्म में उन्हें मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, अल्लाह उन्हें आप अपने हिफ्ज अमान में जगह अता फरमाइए। अल्लाह उनसे गैब, उनकी गैब से मदद फरमाइए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। हम में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अजरा अता फरमाइए। अल्लाह जितने मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अल्लाह बीमार हैं, दुआ की दरख्वास्त किए या ना किए, अल्लाह उन सब की बीमारियों को शिफाए कामिला अजरा अता फरमाइए। अल्लाह हम में जो बेरोजगार हैं अल्लाह हलाल रोजी रोटी अता फरमाइए। अल्लाह हम सबको दीन व ईमान के लिए एक होने, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारे रमजान की इबादतों को कबूल फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम वनफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम।